वहां से प्रियंका जी का रोड शो शुरू होगा। 1 लाख आदमी जो अपने शहर में आपके आशीर्वाद से और आपकी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत बीमार हो गया। जिनके पिता हम लोगों के छत्तीसगढ़ में नेता थे, जिसे बस्तर टाइगर के नाम से हम जानते हैं, और जब जेलम घाटी की घटना हुई, इनके पिता कई थे और वही जज्बा भाई शरीफ शर्मा में चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों के अधिकार छीनने का काम करती है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे लॉकडाउन। कांग्रेस हमेशा आम जनता को शक्तिशाली बनाना चाहती, ताकतवर बनाना चाहती है, और यही कारण से सारे अधिकार, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार देने का काम किया है। और इस समय प्रियंका जी ने कहा है कि 20 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने 10 लाख रुपए तक की इलाज मुफ्त कराने की बात उन्होंने कही, 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूँ खरीदने की बात कही, ऋण माफ़ी कही। ये कहने के पीछे कारण यही है कि आम जनता के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के जेब में पैसा जाएगा तो व्यापार भी चलेगा और उद्योग के पहिए भी चलेंगे। मोदी जी कहते हैं कि बनारस में उनकी जो है जान लेने की साजिश रची जाती है, और लोग बनारस आते हैं तो इस तरीके की बात कहते हैं। लगातार यूपी के चुनाव में इस तरीके से मोदी जी हर जगह लगातार ये बयान दे रहे हैं। जो है वो पंजाब में गए तो वहाँ उनको खतरा हो गया, यहाँ तो उनकी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, सारी सुरक्षा एजेंसियों का काहे खतरा। ये इस प्रकार के बात प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं बार बार? क्या देश के सेना पे उनको विश्वास नहीं है? क्या देश के, हमारे प्रदेश के पुलिस पे उनको विश्वास नहीं है? सारे सुरक्षा, आज स्थिति ये है कि 6 घंटा तक के नो फ्लाइंग जोन कर दिया जाता है। हम लोग भी हेलीकॉप्टर या प्लेन नहीं उतर पा रहा है। प्रधानमंत्री, इतनी सुरक्षा है फिर भी उनको खतरा है? और यदि खतरा है तो एजेंसी क्या कर रही है? आप जब भी यूपी आते हैं लगातार मुकदमे सरकार आपके ऊपर अभी नोएडा में जो है लगातार लगा दे रही है, और तमाम कांग्रेसियों पे लगातार लगाया है, और हम लोग इससे डरने वाले लोग नहीं हैं।